नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। भारत से कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप भले ही कम हो गया हो, लेकिन टीकाकरण की गति अब भी धीमी ही है। कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी की शिकायत की है। वहीं सियासी वार भी जारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वैक्सीन को लेकर मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने सरकार के उस दावे पर सवाल उठाए हैं जिसमें कहा गया है कि जून में 12 करोड़ वैक्सीन आएंगी। प्रियंका गांधी ने सरकार से सवाल किया है कि क्या दोनों कंपनियों की उत्पादकता में 40% का इजाफा हो गया है। इसके अलावा उन्होंने सरकार से वैक्सीन बजट के 35,000 करोड़ रुपये पर भी सवाल किया है। प्रियंका गांधी ने गुरुवार को एक ट्वीट पर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मई में वैक्सीन उत्पादन क्षमता 8.5 करोड़ थी, जबकि वैक्सीन उत्पादन 7.94 करोड़ हुआ। वहीं 6.1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई। उन्होंने कहा कि जून में सरकार ने 12 करोड़ वैक्सीन के उत्पादन का दावा किया है। प्रियंका ने इस पर सवाल किया है कि क्या दोनों वैक्सीन कंपनियों की उत्पादकता में 40% का इजाफा हो गया है। वैक्सीन बजट के 35,000 करोड़ रुपये कहाँ खर्च किए गए? अंधेर वैक्सीन नीति चौपट राजा। सियासी गलियारों में वार पलटवार का दौर जारी है। वहीं कोरोना के केस में भी उतार चढ़ाव जारी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के मामलों में मामूली बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। यहां बुधवार को 1,33,953 लोगों को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये आंकड़ा मंगलवार के मुकाबले करीब 800 ज़्यादा है। हालांकि संक्रमण की वजह से होने वाली मौतों के आंकड़ों में कोई खास कमी नहीं आई है। पिछले 24 घंटे में 2,897 लोगों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि इस दौरान 2,11,750 संक्रमित ठीक हुए हैं। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।